Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world class business. Big Tech. के लिए हम लोग उनको ज्ञापन देंगे, सभी अपने अपने कोई ये कहे कि ये दल वो दल, सभी अपने अपने ज्ञापन तैयार रखे, जितने भी संगठन आए हैं, लेकिन हम जब भी जान करेंगे तो नहीं आएंगे बोलने के लिए। 12:30 बजे वो आपके बीच में हो ले, हमारे आनंद भाई भी आए भी बोलते हैं, सबकी बात की जाए। अरुण भाई है, हमने किसी पार्टी का नाम ये बनाया भीमराव अंबेडकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और अभी जो सरकार है यहाँ पे, जो वर्तमान सरकार है, वो बोर्ड चेंज करके इस हॉस्पिटल का पूरा नाम चेंज करके और अभी जो नाम रखा है राजकीय जिला संयुक्त चिकित्सालय बना दिया है, जो कि मतलब हमें लग रहा है कि हमारी भावनाओं को ठेस पहुँचाने की कोशिश की गई है। बिकॉज हम आपको बता रहे हैं कि अभी जो ये जो सारा जो मामला हो रहा है ना, ये सब भगवाकरण किया जा रहा है। आप देख लो, पूरे यूपी के अंदर जितनी भी दीवारें हैं वो सब भगवा करी जा रही हैं, हॉस्पिटल का नाम चेंज करा जा रहा है बाबा साहब के नाम से। किसको आपत्ति हो सकती है बताओ, किसको आपत्ति हो सकती है? इंडिया में किसी को नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा साहब ने जो काम करे हैं ना वो कोई नहीं कर सकता। और मेरा मानना यह है कि मेरा क्या पूरे समाज का मानना है कि इंडिया के अंदर जितने बाबा साहब ने काम किया कोई नहीं कर सकता, चाहे वो दलितों के लिए हों, चाहे SC ST OBC माइनॉरिटी किसी के लिए हों, या फिर चाहे ब्राह्मणवादी जो लोग हैं उनके लिए भी क्यों ना हो। जो संविधान बनाया, संविधान के अधिकार जो मिले किसको मिले? सबको मिले हुए हैं। हाँ जी, हम लोग अभी तो यहाँ पे ज्ञापन दे रहे हैं SDM साहब को। ज्ञापन देने के बाद में अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो फिर हम अपने तरीके से धरने प्रदर्शन जो भी करना होगा करेंगे, ठीक है। अभी सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो योगी सरकार है उसको समझ लेना चाहिए कि इस प्रदेश के अंदर सिर्फ ब्राह्मण नहीं रहते हैं, इस प्रदेश के अंदर SC भी रहते हैं, ST भी रहते हैं, OBC भी रहते हैं, माइनॉरिटी भी रहते हैं। तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। और जो ये सरकार बनी है ना, सबका साथ सबके साथ सबके विकास के साथ के नाम से बनी है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो सरकार है ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। अभी आप जो EVM के साथ जो छेड़छाड़ करके जो सरकार बना ली है उसको ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप समझ लो, जो आज का यूथ है ना, आज का यूथ बराबरी का हिस्सा मांग रहा है। अगर आप नहीं मानोगे ना तो जो होगा फिर उसके लिए आप सब जिम्मेदार होगे। मेरा नाम विनीत गौतम और आपके बीच में होंगे, अपनी बात रखे, आपको रखे, बजे वो आपके बीच में होंगे, आपके वोट को बदलने के यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारे सभी संगठन, बाकी हम यहाँ आज बाबा साहब के जो ये बैनर बदला है, नाम बदला है अस्पताल के, उसके खिलाफ हम यहाँ पे सभी लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना है। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।
हम सब लोग अभी शांतिपूर्वक यहाँ पे गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रशासन से और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर वापस अस्पताल का नाम रखे। यदि वो नहीं रखते हैं तो हमारे पूरे संगठन ने, हमारे बाकी सारे संगठन साथियों ने, हमने रणनीति बनाई है कि हम इनके खिलाफ एक बड़े आंदोलन की कार्रवाई करेंगे, जो पूरे देश ही नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, देश में भी वो आंदोलन फैलेगा हमारा। और हमने इसकी पूरी रणनीति तैयार कर रखी है, या तो योगी सरकार इसका नाम बदल दे या फिर आप आंदोलन के लिए तैयार रहें। अभी नोएडा प्रशासन की तरफ से हमें केवल आश्वासन दिया गया कि सिटी मजिस्ट्रेट साहब हमारे पास आएंगे, पर कब आएंगे अभी तक ये कुछ नहीं पता है। अगर वो लोग हमारे पास नहीं आते हैं तो हम एक बड़े आंदोलन को इसमें बदलने जा रहे हैं, या तो वो अपना नाम बदल दे या फिर हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। हम लोग एक बड़े आंदोलन के लिए जाने वाले हैं और हम पूरी रणनीति तैयार कर रखी है।